आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मध्यमा उंगली के बारे में, जिसे कि हम शनि की उंगली भी बोलते हैं, और इसके नीचे स्थित होता है शनि पर्वत। शनि पर्वत कर्म को बताता है। अगर ये पर्वत बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति काफ़ी कर्मठ होता है, ये उंगली भी बैलेंस हो तो व्यक्ति काफ़ी कर्मठ और मेहनती होता है और सही ट्रैक पर काम करने वाला होता है। लेकिन यदि इस उंगली में कोई विकृति आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, लो सैट जिसको बोलते हैं, और या फिर काफ़ी लंबी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार गंभीर अपराध भी करते हैं। अगर हाथ की अन्य स्थितियाँ भी खराब हैं, जैसे कि हाथ खुरदुरा हो गया है, हाथ की शेप भी सही नहीं है, हाथ में कालापन और ललाई लिए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का अगर आपको हाथ दिखे, तो ऐसे व्यक्तियों को पर आपको भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, रत्ती भर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उपाय करके इस दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। हाथ की उंगली की शेप तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन हाथ के शनि संबंधी दोष को दूर करके इसमें थोड़ी कमी जरूर की जा सकती है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो भाग्य रेखा है, अगर वो भी एंटर हो जाती है इस फिंगर के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति अपने विनाश का कारण स्वयं ही बनता है।